नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुरिका वसल आप सबका फूड कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मीठे शक्करपारे बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये शक्करपारे भी कहलाते हैं। इन्हें जनरली मैदा से बनाया जाता है, पर आज हम इन्हें गेहूं के आटे से बनाएंगे जो बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बने हैं। इन खस्ता शक्करपारे को आप बनाकर एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम 100 ml के करीब घी लेंगे और उसे एक बर्तन में डाल के अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद में इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब एक कटोरा लेंगे, कटोरे के अंदर हम आधा कप दूध डालेंगे और साथ ही में आधा कप चीनी लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को और दूध को तब तक मिक्स करें जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। इस तरह से चीनी काफ़ी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इस घुली हुई चीनी को एक बड़े बर्तन में डालेंगे ताकि हम अच्छे से आटा गूंथ सकें। अब इसमें हम सूजी डालेंगे और साथ ही में गेहूं का आटा डालेंगे। जनरली ये मैदा से बनाए जाते हैं, पर हम इन्हें गेहूं से बना रहे हैं। साथ में इलायची पाउडर डालें। इलायची पाउडर से बहुत ही बढ़िया और टेस्ट आता है इसका। अब जो हमने घी गर्म किया था, वह घी इसमें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या कुछ नहीं डाल रहे हैं। हमारी ये जो खस्ता कुरकुरे शक्करपारे हैं वह घी से ही अच्छे बनेंगे, तो आप मेजरमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। और इस तरह से हम इसे चम्मच से एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि घी काफ़ी गर्म है, तो स्टार्टिंग में आप हाथ ना डालें, इसे चम्मच से ही अच्छे से मिक्स करें। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आटा मिक्स हो गया है। हमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें इसे बहुत अच्छे से भी नहीं भूनना है। इस आटे में जितने क्रैक्स रहेंगे हमारे शक्करपारे उतने ही टेस्टी और कुरकुरे बनेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे सिर्फ इकट्ठा कर लेना है, जिस तरह से कि हम बिस्किट या कुकीज़ का डो लगाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आटे का डो बना के तैयार कर लिया है। और हम इसे रेस्ट भी नहीं रखने देना है, तुरंत ही हम इसके दो पीस में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद में हम इसे बेलेंगे। तो अब इस आटे को दो पीस में डिवाइड कर लें और इसको एक गोले का आकार दें। ध्यान रखें, हमें इसे रेंडमली इसी तरह से गोले का आकार देना है ताकि जो इसके अंदर क्रैक्स हैं वह ख़राब ना हो। इन्हें बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लें। हमें यहाँ पर एक आयताकार मोटी रेक्टेंगुलर शेप की शीट बेल लेनी है। रेक्टेंगुलर शेप बेलने का रीज़न यह है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस मिल सकें एक बार में, और जो साइड में क्रैक्स आ रहे हैं एक बार अच्छे से हाथों से फॉर्म कर लें और वापस एक बार इसे बेल लें। आप चाहे तो बहुत पतला भी बेल सकते हैं, पर यदि आप इन्हें मोटा बेलेंगे तो जब इन्हें खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग और क्रंच आता है। अब इसको मैं जो साइड्स हैं इसके रफ साइड्स उन्हें कट कर लूँगी और इसको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शीट में बना लूँगी। अब इसके छोटे छोटे से हम पीसेस कट कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद अनुसार कोई भी शेप कट कर सकते हैं, या फिर बच्चों को अटेम्प्ट करने के लिए आप किसी कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास में ये जो छोटे छोटे शक्करपारे हैं फ्राई होने के लिए तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे घर का पिसा हुआ गेहूँ का आटा लिया है, जो कि और भी हेल्दी और फाइबर से भरा हुआ होता है, और आप चाहें तो मार्केट का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया था। फ्लेम को लो पर रखें और मीडियम हॉट ऑयल में ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। जब आप इन्हें डाल दें तो इमिडिएटली आप इन्हें टच ना करें, करीब इन्हें हल्का सा ब्राउन होने दें, उसके बाद ही आप झाड़ी डाल के इन्हें पलटेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। यदि आपने स्टार्टिंग में इन्हें टच कर दिया तो ये फट भी सकते हैं और ये कढ़ाई में ही सारे फैल जाएंगे। अब इन्हें हम अल्टेंगे पलटेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस आटे के अंदर चीनी है, यदि आपने फ्लेम को जरा सा भी तेज किया तो ये बहुत ही जल्दी से जल जाते हैं और एकदम कलर इनका डार्क यानी काला जैसा हो जाता है। तो इन्हें फ्लेम लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये बाहर निकलने के बाद ही थोड़े और डार्क होते हैं, तो इस डिश पर आके आप इन्हें निकाल लें। सभी शक्करपारों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब सेकंड बैच आप फ्राई करेंगे तो वापस से आप हल्का सा तेल को गर्म करें, फ्लेम को लो पे करें और सेकंड बैच को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने घर के खस्ता शक्करपारे बना लिए हैं, कितने बढ़िया क्रैक्स आए हैं इसके अंदर। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। आप इन्हें बनाकर एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया खस्ते बने हैं। तो इन्हें बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर करें, और इसी तरह की रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।